Hello children, this is your Moral Value class. Today we will read our third chapter, A Pup Called Buddy. Noni has many friends in school. Noni ke bahut dost hai. But they all live far away. लेकिन वे सभी बहुत दूर रहते हैं. When she is at home, she has no one to play. Then Noni feels lonely. जब वो घर पर होती है तो उसके पास खेलने के लिए कोई नहीं होता है. वो नोनी अकेलापन महसूस करती है. One day, Noni says to her mother, Mother, I want a little puppy. एक दिन नोनी अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे एक छोटा पिल्ला चाहिए. Why do you want a puppy? Asks her mother. तुम एक पिल्ला क्यों चाहते हैं? चाहते हो? उसकी मम्मी पूछती है. I want a friend at home, replies little Noni. मुझे घर पर एक दोस्त चाहिए, नोनी जवाब देती है. इन द इवनिंग मदर एंड फादर टेक नोनी टू ए प्लेस वेयर ए मैन हैज लॉट्स ऑफ पप्पीज. शाम को माँ और पिताजी नोनी को एक ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ एक आदमी के पास बहुत सारे पिल्ले होते हैं. ही इज द ओनर ऑफ ए कैनल. वो एक कैनल का मालिक है. ए कैनल इज ए प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट एंड ब्रीड. कैनल एक जगह है जहाँ कुत्ते को रखा जाता है और नस्ल की जाती है. नोनी इज हैप्पी टू सी मेनी क्यूट लिटिल पप्पीज. नोनी इतने प्यारे छोटे पिल्ले को देखकर खुश होते हैं. सम ऑफ देम आर क्वारलिंग, सम प्लेइंग विद ईच अदर एंड सम आर सिटिंग. उनमें से कुछ लड़ रहे थे, कुछ एक दूसरे के साथ खेल रहे थे और कुछ बैठे थे. टेक एनी वन यू लाइक द कैनल ओनर से. इसमें से तुम्हें जो पसंद तुम उसे ले सकते हो, कैनल का मालिक कहते हैं. द ओनर ऑफ द कैनल शोज हर डिफरेंट पप्पीज एंड टेल हर अबाउट देम. कैनल का मालिक उसे अलग अलग पिल्ला को दिखाते हैं और उसके बारे में बताते हैं. सी दिस पप्पीज इज ए नॉटी वन, दैट वन हैज ब्लैक फर एंड द अदर वन दे आर रन्स वेरी फास्ट, सेड द कैनल ओनर्स पॉइंटिंग टू द डिफरेंट पप्पीज. देखो ये पिल्ला एक शरारती है, एक के पास एक काला फर है और दूसरा वह बहुत तेजी से दौड़ता है. अलग अलग पिल्ले की ओर इशारा करते हुए कैनल के मालिक ने कहा. नोनी लुक्स एट द पप्पीज. व्हाई इज दैट पप्पी सिटिंग अलोन देयर. सी पॉइंट टू ए पप्पी. नोनी एक पिल्ला को देखती है, ये पिल्ला अकेले क्यों बैठा है. वो उस पिल्ला के तरफ इशारा करती है. ओ दैट पप्पी, ही हैज शॉर्ट लेग, ही कैन नॉट रन प्रॉपरली, एक्सप्लेन द कैनल ओनर. ओ ये पिल्ला, उनका एक छोटा पैर है, वो ठीक से नहीं दौड़ सकते हैं, कैनल का मालिक बताते हैं. इज देयर द रीजन अदर पप्पीज डोंट प्ले विथ हिम, आस्क्स नोनी. यही कारण है कि अन्य पिल्ला उसके साथ नहीं खेलते हैं, नोनी पूछती है. द कैनल ओनर नॉट्स.
कैनल मालिक सिर हिलाते हैं। मॉम डैड आई विल टेक द पॉपी विद द शॉर्ट लेग नोनी सेज। माँ पिताजी मैं छोटे पैर वाले पिल्ले को ले जाऊंगा, नोनी कहती है। सरप्राइज द कैनल ओनर आस्क्स व्हाई डिड यू चूज हिम। आश्चर्यचकित होकर कैनल के मालिक पूछता है आपने उसे क्यों चुना। एज बोथ ऑफ आज आर लोनली वी कैन बी ईच अदर्स फ्रेंड से नोनी। मदर एंड फादर आर हैप्पी विथ नोनी चॉइस। जैसा कि नोनी कहते हैं हम दोनों अकेला है, हम एक दूसरे के दोस्त हो सकते हैं। नोनी की पसंद से माँ और पिताजी खुश हुए। यू कैन प्रोटेक्ट हिम एंड केयर फॉर हिम सेज मदर। तुम इसकी रक्षा कर सकती हो और उसकी देखभाल कर सकती हो, माँ कहती है। व्हाट विल यू कॉल हिम आस्क्स फादर। तुम उसे क्या कहकर बुलाओगे, पिताजी पूछते हैं। नोनी पिक्स अप पॉपी एंड सेड आई विल कॉल हिम बड्डी। नोनी उसे उठाते हैं और कहती है मैं उसे बॉडी कह के बुलाऊंगी, बड्डी करके बुलाएंगे। आप इसको पढ़िएगा, रीडिंग दीजिएगा, नेक्स्ट दिन हम आपको इसका क्वेश्चन आंसर बताएंगे। थैंक यू।